सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को एक और राहत देते हुए स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए वित्तीय बैंक गारंटी की अनिवार्यता खत्म कर दी। दूरसंचार विभाग ने कहा कि इस क्षेत्र में अपने साहसिक सुधार एजेंडे के अनुरूप सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की सालाना किस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर एक सर्कुलर में कहा गया है कि भविष्य में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाता के लिए FBG यानी कि वित्तीय बैंक गारंटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यह किस्तों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए एक सालाना किस्त के बराबर होगी। इस कदम से नीलामी में शामिल होने के लिए पात्रता शर्तों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रतिभागियों के पास पर्याप्त पूंजी होगी। इसके अलावा नेटवर्क शुरू करने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी यानी कि PBG जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कुछ बड़े सुधारों की घोषणा की थी। इन उपायों से क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य की नीलामियों में स्पेक्ट्रम 30 साल के लिए दिया जाएगा। इसके लिए ट्राई से सिफारिश ली जाएगी। इनमें अग्रिम भुगतान की जरूरत, अग्रिम भुगतान के बाद रोक की अवधि, किस्तों की संख्या और अन्य तौर तरीके शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम की नीलामी सामान्य तौर पर प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में होगी। हालांकि पिछली बोली में आवंटित रेडियो तरंगों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पिछले नीलामियों में आरक्षित मूल्य और बोलियां 20 साल की वैधता के अनुरूप थी, उनमें आवंटित स्पेक्ट्रम की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।